के बाद में एक और वाव है जो टान रहा है वाव दम्मा को, ठीक है, दाऊद, तो उसको लिखा तो ऐसे नहीं जाता है। हाँ, कुरान में ये वाव नहीं लिखा जाता है, बट लेकिन छोटा सा वाव दे दिया जाता है, दाऊद है, दो वाव है उसके ऊपर। हाँ, दो वाव, एक वाव कॉन्सोनेंट है, मतलब एक वाव सुकून, वाव का आवाज आ रहा है, दूसरा वाव क्या है इलॉन्गेट कर रहा है, वाव के ऊपर वाव के ऊपर सुकून है, सुकून है, नहीं भी दे सकते चलेगा, पहला वाला जो अच्छा है दम्मा दम्मा दम्मा, सुकून जो याद रखिए तीन तरह से दिया जाता है, ऐसा फिर दाल की तरह भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, लोग ये यूज कर रहे हैं, ठीक है, चलो पहला बात, अगर आप कंफर्टेबल है कोई चीज से तो आप ये यूज कर सकते हैं, दोनों में से क्लास में भी यूज करेंगे, किताब में भी आपका यही रहेगा, वही रहेगा, ठीक है, जैसे आपका ज़कात में वाव आ जाएगा, वाव पढ़ा नहीं है, सलात में भी आएगा, अभी हम बता दिया आपको अरबी में कुछ भी आप सेंटेंस पढ़ेंगे, अरबी में कुछ भी आप सेंटेंस जुमला पढ़ेंगे, जुमला के अंदर तीन हिस्सा ही होगा, जुमला को हम तीन हिस्सा में क्या डिवाइड कर सकेंगे, तकसीम कर सकेंगे, तो ये एक सेंटेंस है जिसको हम तकसीम करने की अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो कतला कुछ काम का माने आ रहा है, तुम कहते हैं क्या काम का नाम, काम है ना, काम कोई कर रहा है, और काम हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, अच्छा तो ये है क्या फेल, काम का तस्किरा है, काम का करने वाला है मौजूद, और काम हो चुका का एक टेंस भी है, जमाना भी है, ठीक है, जमाना है, टेंस है, तो कहेंगे अच्छा है, ऐसा चीज है, तो ये क्या है, फेवल है, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, दाऊद, दाऊद नाम है, क्या कुछ काम का इंडिकेशन मिल रहा है आपको इसमें, नहीं, काम नहीं, नाम है, इंडिविजुअल का नाम है, प्रॉफिट का नाम है, तो हम कहेंगे अच्छा नाम है, तो नाम को क्या कहेंगे अरबी में, इस्म, ठीक है, इस्म, फिर आइए जालूता, जालूत भी किसी का नाम है, काम नहीं, तुम क्या कहेंगे, लिहाजा इसको भी कहेंगे कि ये इस्म है, ठीक है, जैसे जैसे इस मतलब नाउन, ये मतलब वर्ब, हां अभी यार अभी डेफिनेशन में मार है, अभी डिफाइन किए नहीं, ठीक है, ये एक एग्जांपल, फर्स्ट सेंटेंस, दूसरा ये सूरह बकरा में दूसरा सेंटेंस में आ रहा है, ठीक है, कौन सा सूरह में कौन बताएगा, कभी कभी ना प्राइस भी रहेगा, इस्तेमाल करते बोलते हैं उसके बाद अल अर्ज़ में, तो आप आगे देखिए क्या ये एक सेंटेंस है, कौन सा सूरह में ये है, सूरह
قصص سورة قصص آيات نمبر 5 إن فرعون علا في الأرض. यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस है तो उसको हम डिवाइड करेंगे तीन हिस्सा में होगा मैक्सिमम, तीन से ज्यादा नहीं होगा. तो इन्ना में आता, इन्ना का मतलब है क्या? बेशक, सर्टेनली, इंडीड, इंडीड, वेरीली, ठीक है, कोई शक नहीं, इन्ना आ गया, इन्ना को छोड़ के आ गया. फिर आउना इसमें नाम है, कुछ चेंज हुआ है? फिर आउनु होना चाहिए था क्या? इसको इन्ना हो गया है या कहीं कि फिर आनू था, फिर आनू था लेकिन इन्ना की वजह से कौन सा हालत हो गया इसका? मंसूब, 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 मंसूब हो गया, मरफू से मंसूब हो गया. ओरिजिनल फतहा था यहां, फिर आनू था, फिर आउना हो गया इन्ना की, ठीक है. हम कहेंगे ये नाम है तो शायद इसमें आ गया आला, बेशक मतलब होता है तर्जुमा में लिखा रहेगा सरकशी, सरकशी किया. सरकशी किया यानी कि करप्शन पैदा किया या कहेंगे उसको, लेकिन लुहू माना इसका क्या है? ऊंचा हुआ, ठीक है. आला उलू कहते हैं ना, उलू, तो आला, तो ये किया हुआ ऊंचा हुआ मतलब क्या? ये काम है क्या? ये नाम है क्या? तो क्या है? काम है, काम है, काम है. तो ऐसे नहीं कह सकते, क्या कहेंगे उसको? ठीक है, तो आला लुहू माने क्या है इसका? आला माने ऊंचा, ऊंचा, ठीक है. ऊंचा के साथ बार से होना कि ऊंचा हुआ, राइज किया. अच्छा, मतलब जुल्म अच्छा, किया जुल्म लोगों पर. अच्छा, एरोगेंस, एरोगेंस था इसके अंदर में. अच्छा, ये सब सब माने आ रहा है. टायरेंट था वो, अग्रेसर था वो, ये सब सब माने आला के अंदर आ रहा है. अच्छा, ठीक है, मतलब ऐसा सीन ही मानियो आला, ठीक है. ऊपर ऊपर भी एक फेल गुजरा है, कताला. कितना हर्फ है इसमें? लेकिन ढूंढेंगे तो क्या निकलेगा? वो जांचेंगे तो वाव या निकलेगा, ठीक है. तो भी ऐसा ही केस है यहाँ पर, ठीक है. आला फिल अर्थ, ऊंचा हुआ मैंने कि उसने सरकशी की, तो कुछ कर रहा है, कुछ काम हुआ, सरकशी किया, करप्शन पैदा किया. और वो किसने किया? फिरऔन ने किया. ये दोनों तस्वूर है दिमाग में कि कोई है करने वाला और ये काम का एक जमाना है, टेंस है, तो क्या कहेंगे हम? फेल, ठीक है. इसम के लिए क्या इस्तेमाल इस्तेमाल कर रहे हैं? इसम के लिए क्या डिफाइन, कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि नाम है. फेल के लिए क्या हम कह रहे हैं? करने वाला है और मोस्ट मोर इम्पोर्टेंटली उसका एक जमाना है, टेंस है. अच्छा, ठीक है. अब आगे आइए, फी, फी मतलब होता है मे, अभी हम डिफाइन नहीं करें फी क्या है. फी को छोड़ दीजिए, आगे आइए अल अर्दी, ठीक है. अल अर्दी, अर्थ मतलब जमीन, जमीन, ठीक है. अच्छा, इंग्लिश का अर्थ भी ऐसे ही सिमिलर है ना, अर्थ, अर्थ, अल अर्दी. अच्छा, अर्दी का हालत क्या है? अर्दू था, अर्दू, अर्दा, अर्दी. फिल के वजह से फी के पास ताकत है, क्या किया उसने? मजरूर कर, मजरूर. अर्थ मतलब जमीन, नाम है कोई चीज का, इस्म, इस्म, ठीक. अब क्या बचा है? दो, इन्ना और फी. इन्ना बचा और फी बचा. इन्ना को हम लोग क्या बोले? बेशक. फी को हम क्या बोल रहे हैं? मे. तो इसमें कोई नाम नहीं आ रहा है, कोई चीज जहन में नहीं आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट, बल्कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कुछ आएगा, ठीक है. फिर रिपीट कर, ध्यान बात मत कीजिए, ध्यान दीजिए. इन्ना हम कह रहे हैं बेशक, 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 बेशक में कोई चीज तो जहन में नहीं आ रहा है, एक चीज, सामान, ऑब्जेक्ट, कोई थॉट या फिजिकल कुछ भी, या और ना ही कुछ टाइम, जमाना नजर आ रहा है, ठीक है. और आगे आइए, फी, फी मतलब मे, बता दिया आपको. तो मे में भी कोई कोई इंसान कहेगा मे, तो आपका जहन में पिक्चर क्लियर नहीं हुआ, आप इंतजार कीजिएगा मे किसमें. कोई इन्ना कहेगा बेशक, तो आप इंतजार कीजिएगा आने वाले वर्ड के. कोई बोलेगा बेशक, बेशक, बोले क्या बेशक, बोलो ना बेशक क्या. तो आप इंतजार कर रहे हैं किसी चीज का, ठीक है. तो ऐसा ऐसा हर्फ, ऐसा कलीमा, ऐसा कलीमा, सब कलीमा ही ना है, ये कलीमा की यूनिट है. ऐसा वर्ड, ऐसा कलीमा जिस जो ना नाम है, ना काम है, फिर क्या है वो तीसरा बचा क्या? हर्फ.
ठीक है, हर्फ का मतलब ही होता है साइड, साइड कर दो। अरब वाले ने क्या कहा, ना इसम है ना फेल है, तो क्या साइड कर दो, साइड है, साइड को असल में बोलते हैं अरबी में हर्फ है, का मतलब भी एक्चुअली क्या होता है, कुरान में अल्फाज है, आयत में याद आ रहा है कि ऐसे लोग भी हैं इंसान पर जो अल्लाह की इबादत करते हैं साइड में, हर्फ पर अल्लाह की इबादत करते हैं, थोड़ा सा उधर बहुत इधर चले जाएंगे, थोड़ा सा उधर उसके पास चले जाएंगे, अच्छा ठीक है, ऐसा भी आपको रेफरेंस याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो हर्फ का मतलब भी एक्चुअली क्या होता है, एक तरफ एक साइड, तो जो चीज़ ना इसम है जो ना फेल है वो क्या है, हर्फ है, हर्फ। तो ये हम लोग इन्ना के बारे में क्या कहेंगे, हर्फ है, फी भी क्या है, हर्फ है, ठीक है।